पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ हुए बादली हलके के ग्रामीणों से रूबरू। करीब 1.25 अरब की लागत से रू अर्बन मिशन से हलके के 19 गांवों का होगा काया कलप। बादली में सीवरेज सिस्टम को सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार में ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि बादली उपमंडल मुख्यालय सहित बादली हलके के 19 गांवों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से योजनाबद्ध तरीके से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बादली में सीवरेज सिस्टम लागू करने की मंजूरी प्रदेश सरकार की ओर से दे दी गई है और जल्द ही पूरे बादली कस्बे में सीवरेज लाइन डालने का काम संबंधित विभाग की ओर से शुरू कर दिया जाएगा। पंचायत मंत्री श्री धनखड़ शनिवार को बादली में क्षेत्र के लोगों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने बादली के बाद गांव देवरखाना, इस्माइलपुर, मुंडाखेड़ा व बाडसा में भी ग्रामीण जनसभा करते हुए ग्रामीणों को सरकार की ओर से क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी। गांवों में पहुंचने पर पंचायत मंत्री का ग्रामीणों की ओर से मान सम्मान की प्रति पगड़ी बांधकर व फूल मालाओं से स्वागत किया गया। ग्रामीण जनसभा में पंचायत मंत्री धनखड़ ने ग्रामीणों को मिल रही सुविधाओं व उनकी समस्याओं को जानने के लिए सीधे सवाल किए और ग्रामीणों की ओर से मिले जवाबों पर कहा कि विभागीय स्तर पर सभी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी सजगता बरती जाएगी और लोगों की समस्याओं का निदान तत्परता से कराना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने बादली के लोगों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि आने वाले समय में उनके गांवों में सीवरेज सिस्टम शुरू किया जाएगा और प्रदेश सरकार की ओर से महाग्राम में शामिल गांव बादली को शहरी स्वरूप प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बादली में सीवरेज सिस्टम लागू करने के साथ ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व रू अर्बन मिशन के तहत भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। गौरतलब है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत बकायदा सर्वे के आधार पर मिशन के क्रियान्वयन के लिए DPR बनेगी और उनके हिसाब से ही गांव में विकास कार्य होंगे। गांव की जरूरत क्या है उसे जानने के लिए स्वयं मंत्री ग्रामीणों के मध्य पहुंच रहे हैं और एक एक ग्रामीण से सीधे संवाद कर रहे हैं। की समस्याओं को सुन रहे हैं हरियाणा के कृषि विकास पंचायत मंत्री ओम प्रकाश जी धनखड़। हम बात करते हैं सर, रू अर्बन मिशन ग्रामोदय जो आज का नई स्कीम आपने बताई है, क्या योजना है? देखिए, बादली को महाग्राम में रखा है क्योंकि ये सब मिलकर बन गया है। एक तो इसमें सीवर बिछाएंगे जी, दूसरा ये गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन का भी हिस्सा है। उसमें जो भी किसी भी तरह के उनके संकट पीने के पानी की जरूरत है तो वो यहाँ दूर होने लग रही है। इसी तरह से जिसको सूखा कूड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं उसका इंतजाम ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली लग के सूखा कूड़ा गांव में बिल्कुल नहीं रहे, गांव के जोड़ भरे जाएं। फिर गांव में कोई भी ऐसा घर हो जिस पर गैस नहीं हो, जिनके यहाँ लेटरिन नहीं हो, जिनके पास घर नहीं हो, उनको वो सुविधा कैसे मिले उसके इंतजाम में लगेंगे। चिकित्सा सुविधाओं का स्तर अच्छा हो उस पर लगेंगे। कोई स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग में कोई दिक्कत है तो उसको ठीक कराएंगे। इसमें 120 करोड़ रुपया हमको 19 गांव के लिए मिलने वाला है। इन गांव की सभी सुविधाएं उस प्रकार की कराएंगे अच्छी से अच्छी हो, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन है और उसी के सर्वेक्षण के लिए मैं यहाँ आज बात करें। आज ताजा दो राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे आए हैं, भाजपा को काफी बढ़त मिली है, क्या संदेश? देखिए, कमल का फूल पूर्वोत्तर में भी खिल रहा है और बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में तो जीरो से हम एक तरह से 2-3 पे पहुंच गए 25 साल के बाद। 25 साल तक तो कम्युनिस्ट पार्टी वहां राज करती थी, बीजेपी तो कभी भी नहीं थी। हम तो जीरो से पहुंचे, जीरो से 2-3 पर पहुंच गए। नागालैंड में भी सरकार बनेगी और मेघालय से भी कांग्रेस पार्टी साफ हो गई है, उसमें भी हम शामिल होंगे जो भी गठबंधन की सरकार बनेगी। बहुत अच्छा एक तरह से वातावरण बन रहा है। कभी 87 में गया था एक विद्यार्थी के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, लेकिन मुझे कितना आनंद आ रहा होगा आप समझ सकते हो कि अब वहाँ बीजेपी की सरकार होगी। विपक्ष लगातार किसान अधिकार रैली को लेकर के जो 7 मार्च में प्रदर्शन और 5 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान, क्या कहना है? कोई भी 7 मार्च की रैली को नहीं पूछ रहा, उसको आप मीडिया क्यों तोड़ते रहे?